क्या देखिए 4 जून को 12 बजे पिक्चर रिलीज हो जाएगी और उसका नाम होगा एक थी भारतीय जनता पार्टी। लगातार जनता का गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है और सातवें चरण आते आते आप देख लेना सातवें आसमान पर होगा। पूर्वांचल की जनता और खासकर इन दो चरणों की जनता भारतीय जनता पार्टी को कभी स्वीकार नहीं कर सकती। इन्होंने आरक्षण खत्म कर दिया, इन्होंने नौकरियां नहीं दी, जो समय समय पे बुलडोजर लेकर के घूमते थे उन्होंने जानबूझ करके पेपर लीक कराया। आखिरकार एक भी पेपर लीक कराने वाले की जानकारी नहीं हुई, न उस पर बुलडोजर चला। और जो लोग 400 पार की बात कर रहे थे वो 400 हारने जा रहे हैं, और 400 पार को भी अगर हम समझें गिनती तो इसका मतलब यह है कि 400 पार जितनी सीटें थी वो जीतने जा रहे हैं। अगर हम कहें नदिया के पार, सड़क के पार, या हम कहें इसके उस पार, तो क्या हुआ कि उसके बाद कितनी सीटें, तो उसके बाद तो केवल बनती हैं 143 सीटें। और यकीन करना 140 करोड़ जनता इस बार इन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। और जो कहते हैं शहजादे कहना थक नहीं रहे हैं, इस बार शहजादे उन्हें शह देने वाले हैं और ऐसी मात देंगे कि आप देखिएगा उनकी गिनती कहां पहुंच जाती है नीचे। देखिए उनकी वही घिसी पिटी कहानी, वही उनके थके हुए डायलॉग, जनता इनकी कहानी सुनना नहीं चाहती। और इसीलिए उनके कार्यक्रम देख लो, उनके पंडाल देख लो, लोग गायब हैं, आ नहीं रहे हैं। अधिकारियों को या कर्मचारी जो सरकारी हैं आप बेहतर जानते हो, उन्हें कपड़े बदल करके बैठा रहे हैं और हमारे कार्यक्रम में कम फोर्स लगा करके, और उन्हीं के बीजेपी के लोग लाल टोपी लगा के या लाल गमछा डाल करके हमारा कार्यक्रम खराब करने आ रहे हैं। परिवार बात कर रहे हैं कि परिवार तक ही सीमित रह जाएंगे। देखिए जो लोग परिवार बात कह रहे हैं उन्हें कम से कम यहाँ किसी मंदिर में जाके संकल्प ले लेना चाहिए। वो क्या किसी परिवार वाले को टिकट नहीं देंगे और किसी परिवार वाले से वोट नहीं मांगेंगे। आप लोग लगातार महंगाई बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, पूर्वांचल के चुनाव आते ही बीजेपी जो है कहने लगी अगर इंडिया अलायंस के लोग आएंगे तो हिंदू खतरे में हो जाएंगे। देखिए कोई खतरे में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। मैंने जैसा कहा कि ये जो अभिनय करने वाले लोग हैं दिल्ली वाले और यहाँ वाले, इनकी पिक्चर पिट चुकी है, इनकी कोई पिक्चर देखना नहीं चाहता, शो में जाना नहीं चाहता इनके। और ये लोग बुरी तरह हारने वाले हैं क्योंकि जनता के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। देखिए मैं बहुजन समाज के लोगों से कहूँगा और मुझे खुशी है इस बात की कि हर चरण में बहुजन समाज के लोग बढ़ चढ़ करके संविधान बचाने के लिए आगे खड़े हो गए हैं। इसीलिए लोकतंत्र बचाने के लिए और संविधान बचाने के लिए सब लोग आएं। मैं बहुजन समाज से भी विशेष अपील करूंगा कि वो आएं और बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है उसको बचाएं। पीएम मोदी लगातार दो बार दौरा कर चुके हैं और सीएम लगातार 3 बार दौरा करके गए हैं, उनका लगातार यही भाषण आता है कि सपा ने आजमगढ़ को आतंकगढ़ बना दिया था और हमने 10 साल में बहुत कुछ आजमगढ़ में बदला है। देखिए इन दोनों नेताओं को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, पता नहीं क्या है। ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है आपसे बेहतर कौन जानेगा, यहाँ का मेडिकल कॉलेज है, यहाँ की हवाई पट्टी है, यहाँ का एग्रीकल्चर कॉलेज है, यहाँ पे सब स्टेशन हैं, जिला अस्पताल है, 100 बेड हॉस्पिटल है, एम्बुलेंस है आपके, और तमाम सुविधाएं जो दी गई थी वो समाजवादियों की देन है। अच्छा भटौली गाँव के लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, भटौली गांव के लोगों का धन्यवाद जो हमेशा अपनी जगह देते हैं जहां कार्यक्रम का आयोजन रहता है
पटौली की जनता को धन्यवाद। जब भी कार्यक्रम हुआ है हमारी पार्टी के पक्ष में परिणाम आया है, ये शुभ जगह है। चुनाव बाद मिलेंगे। देखिए इंडिया गठबंधन और यूपी का मैं बता दूं आपको, अभी तक तो मैं सोचता था कि 80 में 79 सीटें जीतेंगे, लेकिन जो माहौल देखा मैंने भदोही और आसपास, इस बार क्यूटो भी बीजेपी हारने वाली है और क्यूटो को हराने वाले कोई नहीं है। कौन होगा भाजपा लगातार सर, भाजपा लगातार हमलावर है, उसका कहना है कि सपा के जितने भी जनसभा हो रहे हैं उसमें कहीं न कहीं दंगा हो जा रहा है। ये देखिए हिटलर, एक मिनट जो बेटा, हिटलर के बारे में आप पढ़ना, वो अपनी पार्टी के वर्कर्स को पुलिस की वर्दी पहना करके भेज देता था। मुझे ये लग रहा है कि जब से इन्हें 5 चरणों में ये हारे हैं और 6ठे 60वें में सफाया होगा, तो समाजवादी पार्टी की इमेज खराब करने के लिए ये बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को तो नहीं भेज रही यहाँ खराब करने के लिए। मान लीजिए यहाँ 20,000 हमारे लोग हैं, 5 आ जाएं गड़बड़, तब क्या करोगे आप? तो ये बीजेपी वाले हैं और पुलिस बुला रहे हैं अपनी सुरक्षा में और वर्दी उतरवा करके प्राइवेट ड्रेस पहना के अपने टेंटों में बैठा रहे हैं जिससे भीड़ नजर आए, और जहाँ यहाँ लोग हैं वहाँ पुलिस सुरक्षा कम है। आज तो थोड़ी पुलिस बढ़ी है, लेकिन कल लालगंज में आप थे, बताओ तो क्या पुलिस थी? हाँ देखो आप खुद मानते हैं, यानी आप पुलिस पे सवाल उठा रहे हैं या आप आज तक तुम्हारा खत्म हो जाएगा मंत्रिमंडल जब बदलेगा तब। ये वो है जिनका दाना उसका गाना, ज्यादा मिला दाना फिर गाया हमने गाना। लेकिन सर यूपी का सर अभी जमाली ने अरे ये बताओ इसमें क्या गलत है? अगर रायबरेली अमेठी में उनके लिए कहा जाए, हमारे लिए यहाँ कहा जाए, बंगाल में ममता जी के लिए कहा जाए, अरे एक समय था बीजेपी ने 10 मुख्यमंत्रियों के नाम लिए थे, याद है आपको? मैं यूपी तक तो दाना किसी का कहा, लेकिन वो तो सच्चाई दिखाता है। मैं उम्मीद करता हूँ आजमगढ़ की बड़ी जीत आप भी कराओगे। गतिविधियाँ जो भी थी तेजी से, उनके सहयोगी आप थे, उनको घर मकान नहीं मिलता था, हमने उनको मकान दिया। संगीत आप ये बताओ, कोई मुख्यमंत्री केस वापस नहीं ले सकता है, हालांकि हमारे मुख्यमंत्री विशेष थे जिन्होंने अपने केस वापस लिए। अंतोगत्वा कोर्ट तय करता है, इन्हें बताना चाहिए कि पेपर लीक में इतने नौजवान नौकरी करना चाहते थे, आपने उनका जीवन क्यों बर्बाद कर दिया? अग्निवीर जैसी व्यवस्था लाए आप, क्या आप सीमा की रक्षा इनसे करवा लेंगे? आप 4 साल की ट्रेनिंग में, 4 साल की नौकरी में क्या चीन जैसा बड़े देश से मुकाबला कर लेंगे? आपकी ज़मीनें कब्जा कर रहा है। और मैं कह के जा रहा हूँ आपसे, आप किसी भी बीजेपी वाले से पूछेगा कि रिजांगला का जो मेमोरियल था, जो कभी बनाया था हमारे फौज ने, जो फौज हमारी बहादुर फौज थी जिसने चीन से हमारी ज़मीन बचाई थी, और जो शहीद हुए थे उनके बारे में कहा गया कि आखिरी बॉडी तक और आखिरी बुलेट तक फौज लड़ी थी, आखिरी आदमी जो फौज का था वो भी लड़ा और आखिरी बुलेट तक वो लड़ाई चली थी, दुनिया में ऐसी लड़ाई नहीं हुई, उसमें हमारे फौज के लोगों ने जमीन बचाई थी, वो बहादुर फौजियों के याद में मेमोरियल बना था, वो मेमोरियल छीन लिया चीन ने। लेकिन हमारे ये बहादुर लोग, बीजेपी के लोग चुप बैठे हुए हैं, क्या इनके पास है? इसलिए मैं कह रहा हूँ मंत्रिमंडल तो बदलेगा ही बदलेगा, मीडिया मंडल भी बदलेगा। और हमारे आपके लिए तो खुशियों के दिन आ ही रहे हैं, लेकिन आपके लिए फ्रीडम ऑफ प्रेस का दिन है, वो अखिलेश जी 4 जून फ्रीडम ऑफ प्रेस का दिन भी है, आपके भी आजादी उस दिन मिलेगी। सीएम योगी कल आए थे, सीएम योगी कल आए थे, उनका क्या नाम था कि थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि ये लोग विपक्ष के लोग अगर चुनाव जीतते हैं तो ये लोग सारे विकास कार्यों को ठप करेंगे। ये हमारे मुख्यमंत्री जी उल्टा पुल्टा मुख्यमंत्री हैं, कभी 46 में 56 बताते हैं, योगा करने जाते हैं तो एक टांग में भी खड़े नहीं हो पाते हैं, डगमगाते हैं, तो उल्टा पुल्टा मुख्यमंत्री और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं काम कभी नहीं रोकते हैं। अगर काम कोई ख़राब किया है तो बीजेपी के लोगों ने किया, ये पूर्वांचल का एक्सप्रेसवे बहुत अच्छा बनना था लेकिन उसको ख़राब कर दिया, एम्बुलेंस ख़राब कर दी, आपका मेडिकल कॉलेज में इलाज व्यवस्था नहीं है,
तो जो विकास कार्यों को अगर किसी ने रोका है तो भारतीय जनता पार्टी है। अगले भी आप ये शहजादे जो कह रहे हैं, शहजादे इस बार शहजादे ने शह भी देंगे और मात भी देंगे। और सच्चाई तो ये है कि एक और एक 11 हो गए हैं और दिल्ली लखनऊ वाला इंजन आपस में टकरा रहा है, ये डर है उनको। अगले भी आज बयान ये है कि अखिलेश जी की नाराजगी है, अंदरूनी नाराजगी है कि पारिवारिक नाराजगी है कि राजनीतिक नाराजगी है, आपका बोलने में नाराजगी झलक रही है। इसी से नाराजगी नहीं है, आपको खुशी होनी चाहिए कि आजमगढ़ में हमने अपना घर बनवा लिया, इन बीजेपी वालों ने नक्शा नहीं पास होने दिया तो हमने जुगाड़ से बना लिया। जुगाड़ कब तक चलेगा? जुगाड़ नहीं, क्या करें, बीजेपी वाले नक्शे नहीं पास कर रहे हैं तो घर बनाना पड़ा हमें जुगाड़ से। आपने तो आप सोचिए, आपको ये कहना चाहिए बीजेपी वालों ने घर क्यों नहीं बनने दिया। अच्छा, कितने धूर्त हैं ये कि अगर हम घर बनाना चाहें आजमगढ़ में तो घर नहीं बनाने दे रहे हैं, बताओ। जुगाड़ की बात कर रहे हैं तो आपने तो बूथ अध्यक्षों तक के और सारे के नंबर डाटा तक अपने पास बुला लिए, रख लिए, तो ये जरूरी है ना कि हमारा बूथ कार्यकर्ता कैसे जीते। ये इस बार बूथ पर हमारा कार्यकर्ता लग करके जिताएगा। धर्मेंद्र जी को कैसे आशीर्वाद दे रहे हैं? आशीर्वाद तो है ही है और रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रहे हैं, ये सबसे बड़ा आशीर्वाद है। सीएम योगी का और सबसे बड़ी बात है जो जनता आशीर्वाद दे रही है इस बार, कमाल का वातावरण दिखाई दे रहा है, कमाल का समर्थन दिखाई दे रहा है और कोई वर्ग नहीं है जो आज समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का सहयोग न कर रहा हो। और कमाल तो ये हो रहा है कि जमाली भी अब आ गए हैं।